केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। पूर्व से चली आ रही चुनावी रंजिश की आग में बुधवार की रात मेरठ रछौती गांव में घी का काम कर दिया। मुंडाली थाना क्षेत्र के गांव रछौती की ग्राम प्रधान प्रियंका के पति विजय उर्फ रावत को आपसी कहासुनी व मारपीट के बाद गोली मार दी गई। गंभीर हालत में विजय को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हत्या में नामजद अभियुक्तों में से एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने पूर्व प्रधान मनुष्य के बेटे पंकज व मोहित समेत चार लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस घटना को लेकर गांव में दोनों पक्षों के बीच तनाव बना हुआ है। बताया गया है कि करीब 30 साल पूर्व प्रियंका के ससुर सच्चे सिंह की भी हत्या हुई थी। देखिए, इस बारे में एसपी देहात कमलेश बहादुर ने firstbite.tv को यह जानकारी दी। ये थाना मुंडाली के गांव रछौते में कल शाम को विजय रावत नाम के एक व्यक्ति हैं, जो जिनकी पत्नी प्रधान है, वो उनकी गोली मार करके मार दी गई थी, जिनकी इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में मृत्यु हो गई थी। इसमें चार अभियुक्तों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गई हुई हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। ये जो आरोपी हैं, इनके पक्ष के भी पूर्व में प्रधान रहे हैं, और कल जो घटनाक्रम था उसमें ये बताया गया कि जो मृतक विजय रावत हैं, इनका भांजा कहीं जा रहा था और उस आरोपित पक्ष वहाँ खड़ा था, जिसमें कोई वाद विवाद हुआ और वाद विवाद के दौरान फिर प्रधान भी वहाँ पहुँचे और जहाँ पे गोली जलने से घायल हुए और इलाज के दौरान इनकी मृत्यु हुई। सर, चुनावी रंजिश को लेकर के बताया जा रहा है। चुनावी रंजिश पूर्व से इनमें, चूँकि प्रधान का इलेक्शन जो आरोपी पक्ष हैं उनके घर वाले भी लड़े थे, तो उससे रंजिश पूर्व से विद्यमान है। लेकिन कल जो घटनाक्रम है वो इनके भांजे और आरोपी पक्ष के हुए वाद विवाद के कारण घटना कारित होना पाया गया है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है और अभी वर्तमान में शांति है। मृतक का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी करा ली जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। वर्तमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th। स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्तमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।